जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस परीक्षा होगा उसमें आपको क्या क्या, अगर सुविधाएं की बात देखे जाए तो बस की बात देखे जाए तो इसमें आपको बस की सुविधा आपको निःशुल्क रहेगा ये जब तक परीक्षाएं चलेगी। जैसे 23 को है, 23, 24, 25, तो आपका 22 से अगर जाना होगा तो आपका निःशुल्क कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इसमें आप गलतियाँ क्या ना करना है, आपको एडमिट कार्ड और कोई पहचान रखना है तभी आपकी उसमें निःशुल्क जाने का मिल सकता है। अगर ये चीज़ें आप पहचान कोई नहीं ले गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इससे आप ले जाएं और ताकि निःशुल्क जा सकते हैं कहीं भी। आप कहीं भी जिला वाइज में अगर कहीं भी परीक्षाएँ आपकी है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो जैसे 23, 24, 25 हो गया और 30, 31, तो एक दिन पहले आप जैसे 30 का है तो आपको 29 और फिर 31 के बाद 1 सितंबर तक फ्री रहेगा। तो दोस्तों, जिन भाइयों को अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चैनल पे। दोस्तों भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। कोई भी इसमें जान लीजिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड आ चुका है आपका। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं करे हैं तो वेबसाइट जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप कहीं भी अगर जैसे कोई भी सरकारी बस हो उसमें आपकी सेवा फ्री रहेगी जब तक अपना परीक्षाएं चलेगी। इन बीच में आप किसी भी तारीख को हो तो उससे एक दिन पहले और बाद में आपकी सेवा फ्री रहेगी। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान लीजिए, कहीं भी या कहीं भी ज़िला में है, 2-3 ज़िला अगर कोई भाई का नखा के है तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अपना बस पकड़ें जो सरकारी है, सिर्फ सरकारी वाला सेवा उपलब्ध रहेगा। इसमें नोटिस में दिया था तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, नहीं आप चार्ज देने लगे हो। आप एडमिट कार्ड और कोई पहचान रहेगा तो उससे आप, अगर कोई भी दिक्कत तो उसे भी अपना दिखाना और आपको निःशुल्क ले जाएंगे कहीं भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में हो तो आपका निःशुल्क। तो आप जैसे जानते हैं परीक्षाएं होगी 23, 24, 25, 30, 31। तो आप अगर अपने परीक्षाएं पे 3-4 घंटा पहले पहुँचे ताकि कोई दिक्कत वाली कोई समस्या ना हो, और जानते हैं कहीं ज़्यादा भीड़ भक्कड़ रहती है तो आप लोग, इससे बेहतरीन है कि आप घर से पहले निकले 2-3 घंटा पहले, 3-4 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। अगर जैसे किसी भाई को 1-2 जीरा नहा के गया है तो उससे घबराने की बात आपको बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी सेंटर है तो आप घर से बिल्कुल पहले निकलें, 3-4 घंटा पहले सेंटर पे अगर पहुंचे रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेट हो जाएगा तो उसमें आपका बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बस से जाना है सरकारी और आपको निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। पूरे एकदम देहाती भाषा में जान लीजिए दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो। दोस्तों हमारे चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर अपडेट आपको नई नई मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए।